नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। आमला, महात्मा गांधी की 151वीं एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की 116वीं जयंती के अवसर पर आमला में आज जनसेवा कल्याण समिति राष्ट्र सेविका समिति ने आमला के जनपद चौक और झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश आमजन को देकर गांधी जयंती मनाई। इसके बाद मौके पर समिति सदस्यों द्वारा मास्क एवं जरूरतमंद परिवारों को अनाज का वितरण किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के हाथरस में शर्मनाक घटना में मृत युवती को श्रद्धांजलि दी गई एवं सरकार से इस घटना में शामिल लोगों को फांसी देने की मांग की गई। उसके बाद आम जनता को कोरोना महामारी से बचाव के लिए भी जागरूक किया गया। जनसेवा कल्याण समिति की महिला अध्यक्ष विमल मदान ने सफाई कर एक स्लोगन दिया, ना गंदगी करेंगे ना गंदगी करने देंगे। उन्होंने आह्वान किया कि सभी लोग स्वयं से, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले में, गांव में और अपने कार्यस्थल पर सबसे पहले स्वच्छता अभियान से जुड़ें और इस अभियान को धरातल पर उतारें ताकि जन जन को स्वस्थ रखा जा सके। राष्ट्र सेविका समिति की सीमा चौरसिया ने कहा कि महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। उस कल्पना को लोगों द्वारा सेवा भाव ढंग से ही पूरा किया जा सकता है। हमारे देश ने आज़ादी के बाद से बहुत तरक्की की है, लेकिन यदि हम सब लोग गांधी जी एवं शास्त्री जी के विचारों को आत्मसात कर लें तो निश्चित ही हमारा देश और तरक्की करेगा तथा समाज में खुशहाली आएगी। वहीं जनसेवा कल्याण समिति के राहुल धेंडे ने कहा कि गांधी जी एवं शास्त्री जी के पदचिन्हों पर चलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए आज के युग में भी जो समाज में बेहतर काम करते हैं उन्हें पहचान अवश्य मिलती है। कार्यक्रम के दौरान जनसेवा कल्याण समिति, अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा, राष्ट्र सेविका समिति, एबीवीपी एवं अन्य संगठनों के राजू मदान, पंकज उसरेठे, शफी खान, नितिन ठाकुर, अमित यादव, नमन सिंह परमार, जीवन कहार, अनिल सोनी, सुरेश सागर, सुखदेव सोनपुरी, राष्ट्र सेविका समिति से मालती साहू, कविता सूर्यवंशी, चेतना गाडवे, नीलम शर्मा, सुचित सिसोदिया, सोनाली नागले, जागृति जैन, जयश्री नागले एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। लगाया गया है अतः प्लास्टिक थैली के उपयोगकर्ताओं उत्पादन भंडारण परिवहन विक्रय करते हुए पकड़े जाने पर प्लास्टिक की थैली जब्त कर दंडात्मक कार्रवाई कर जुर्माना वसूल किया जाएगा। निवेदक नगर पालिका प्रशासन आमला। घर में निकले तो करवाओ ना। खबर समय जगत के लिए आमला से जिला प्रतिनिधि हरि प्रसाद गोहे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।